कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। दरअसल पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होशियारपुर के टांडा में अचानक एक शख्स ने सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए राहुल गांधी को गले लगा लिया। वैसे सुरक्षा बलों ने फौरन आगे बढ़कर उसे हटा दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा में एक व्यक्ति राहुल गांधी के इतने नजदीक कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि ये कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। ये स्थिति तब है जबकि पंजाब में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है। यहाँ वो थ्री लेयर की सुरक्षा में चल रहे हैं, जिसमें सबसे बाहर पंजाब पुलिस का घेरा, उसके बाद पंजाब पुलिस और स्टेट सीआईडी की रस्सी के साथ घेरे की सुरक्षा और अंत में राहुल गांधी की सिक्योरिटी है। गौरतलब है कि जिस वक्त ये शख्स राहुल गांधी के नजदीक पहुंचा, उस वक्त पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वारिंग भी वही थे। उन्होंने और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर उस शख्स को वहां से हटाया। वहीं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध की आशंका है। वहीं एजेंसी की ओर से राहुल गांधी को कश्मीर में यात्रा के दौरान कुछ जगहों पर पैदल नहीं चलने की सलाह दी गई है। बताते चले कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब दौरे पर है। कड़ाके की सर्दी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आज सुबह पंजाब के टांडा से फिर शुरू हुई। कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजावडे, हरीश चौधरी और राजकुमार चब्बेवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को राहुल गांधी के साथ देखा गया। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा पंजाब के जालंधर में थी। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।